बात समझ में नहीं आ रही, ये पेंटिंग पूरी हुई तो हुई कैसे? अरे हमें का पता, तू इतनी मेहनत से बाहर क्यों आ रही है? तुझसे पूछ रहा हूँ क्या? But papa, how is this even possible? I mean, पेंटर के कुत्ते ने अगर वो पेंटिंग माँ से नोच ली थी तो ये कंप्लीट कैसे होगी? हाँ नहीं बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है जो कुत्ते ने इसका हिस्सा नोचा था वो पेंटर को मिल गया हो और रात में आके उसने चिपका दिया तो। अरे ऐसे कैसे पेंटर हमारे इजाजत के बिना ऐसे हमारे घर में घुस के पेंटिंग कंप्लीट कर सकता है? गलत बात है ना ये तो। एक मिनट, जब पेंटिंग में जो लाल लाल छींटे काहे के हैंगे? अरे तो बकवास मत कर एकदम, यहाँ निशान तो है। पापा, क्या ये खून है? मतलब ये नल्ले अंकल की कारिस्तानी है? कौन खोखो के थूक रहा है मेरी पेंटिंग पे? मैं ए लल्ली चुप कर जा, अभी तो हमारी एड वाली प्लानिंग आएगी। हाँ वैसे तेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, कभी कभी बहुत सही बात करती है, तो अभी कर रही है। हाँ तो हम चुप बैठेंगे ना यहाँ पे। अरे बेटा चुप नहीं बैठ, इसका बदला लेंगे हम, लेंगे, अभी रुक तो जा। मैं छोड़ूंगी नहीं इस नल्ले अंकल को। हाँ ठीक है, अच्छा सुन, बंटी से कह गई है छींटे साफ करा दियो। क्या समझी? बंटी से कह के छींटे साफ करा दियो। हाँ तू कराइयो। हाँ तू कराइयो। चल जा। सोच भी कह सकते हो पापा, दुश्मनों से दुश्मनी की जाती है, उनकी एड फिल्म नहीं कर लेते जा करके। जो भी रही सही थी ना वो भी उतार दी तुमने। यू आर टोटली न्यूड। कैसी बातें कर रही है भाई? नहीं मतलब ये एक्टिंग का शौक कब से सवार हो गया सर पे? बेटे वो तो तुम्हारे पैदा होने से पहले पड़ा हुआ। ओ, मतलब पुराना मर्ज है। अबे कैसी बातें कर रहा है, हमारी कला को तुम मर्ज बोल लिया यार। उफ, तुम्हारी कला, तुम्हारी कला से दो दिन की रोटी भी नहीं खरीद सकते हम लोग पापा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, गुड सेइंग, गुड सेइंग। अरे क्या खाक ठीक बोल रहा है, हमारी कला का मजाक उड़ा रहे हैं हमारे बेटा। मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ। आज मम्मी के आशीर्वाद से मेरे पास गराज है, एक बैंक अकाउंट है, उसमें मिनिमम बैलेंस है और माँ भी है। तुम्हारे पास क्या है? बेटे 6 महीने रुक जा, 6 महीने उसके बाद मेरे पास बैंक बैलेंस भी होगा, गराज भी होगी, एक माँ भी होगी, बता रहा हूँ। किसकी माँ होगी? जाहिर सी बात है मेरी माँ तो ना होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब किसी और की अम्मा को इस घर में लाने का इरादा है तुम्हारा? वो सितारों को तो कई बीवियाँ हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा लेकिन वैसे सितारे जो है ज्यादा चमकते नहीं है। मम्मी मम्मी असल मुद्दे पे आ जाओ थोड़ी देर। करेक्ट, असल मुद्दा ये है कि तुम ऐड नहीं करोगे। मैं तो करूँगा। तो मम्मी भूख हड़ताल में बैठ जाएगी। मैं फिर भी करूँगा। तो मम्मी छत से छलांग मार देंगी। मैं ऐड करूँगा। मम्मी तुम्हें तलाक दे देंगी। मैं ये दूंगा। क्या कमबख्त मारे, सारी कुर्बानियां मैं ही दूंगी क्या? देखो भाई अब कुछ ना हो पाएगा, चाहे कोई कुर्बानी दे, मैं छलांग लगा चुका हूँ, कुछ बता रहा हूँ। औंधे मुंह गिरोगे, फ्लैट चेस्टेड। अरे कैसी बातें कर रहे, क्या ना हो रहा तुम दोनों यार, हैं? एक कलाकार से उसी कला छोड़ने की बातें कर रहे तुम यार। देखो अगर ये ऑफर कहीं बाहर से आया होता ना तो मैं खुद तुमसे कहती कि गो डू गो। पापा वो तुम्हारे दुश्मन है। हाँ देख भाई, मेरे उस्ताद श्याम दादा बोलते थे कि अपनी फिल्म लाइन में रहो एकदम प्रोफेशनल, कोई दुश्मन नहीं, अगर दुश्मन भी बुलावे तो उसकी 3 फिल्म करके आओ। आसान है, बहुत आसान है बोलना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे थे ना वो श्याम दादा, वो खुद उस प्रोड्यूसर की 3 फिल्में करके आए, उनकी लुगाई लेके भाग गया था। कुछ नहीं जानता, अगर तुम्हें ऐड करना है तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा।
वॉकिंग डेड। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। यू और ये सब आपका ऑर्डर। छोले भटूरे खाइए और दिन बनाइए। अरे सुंदर तितली, क्या है? प्लीज यार मैं क्या करूं, कहीं घूमने चले? बंटी काम का टाइम चल रहा है। यार ये काम का टाइम चल रहा है तो प्यार करने को टाइम कौन सा होगा बता दे हमें। यार यार ये फालतू की बातें मत किया कर, और यही सब चलता है क्या तेरे दिमाग में हमेशा? बंटी यार तो एक काम कर, इस तुत्तू को ना तो ऐसे जबरदस्ती भगा के लेके जा, जा, जा। यार तब गलत सलाह तो मत दिया कर, ये सब एम्प्लॉय है। सो व्हाट, और कोई गलत सलाह नहीं दे रही हूँ। तो कह रही हूँ जिससे प्यार करो ना उससे शादी करनी चाहिए, है ना बंटी? अच्छा और अगर घर वाले खिलाफ हो फिर? तो मैं लड़के को भगा के ले जाती। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता ना अभी और घर वाले जरा से भी नाटक दिखाते तो मैं तो भाग जाती। सीपी लॉल। अरे जल्दी राम तेरी बेटी के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। अगर इसका रिश्ता जल्दी से तय नहीं किया है ना तो बेटी हाथ से निकल जाएगी। अरे पूरी दिल्ली में मेरी तू तू हो जाएगी। हाँ भाई जल्दी राम। हाँ खुशी राम। अरे यार तू मेरी बात को ना बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है, बता रहा हूँ। कौन सी बात? मैं कह रहा हूँ मेरी बेटी की शादी के लिए यार अच्छा सा लड़का ढूंढ ले यार, वरना मेरी बेटी जो है मेरी उम्मीदों को नोच लेगी, बता रहा हूँ मैं, उसे देर नहीं लगेगी। चल मैं देखता हूँ। हाँ चल देख, जल्दी देख। हाँ बोल। सुना तो एड फिल्म बना रही है। हाँ लेकिन तेरे जैसे सड़क छाप के लिए कोई रोल नहीं है उसमें। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब मेरे पिताजी को ये अवसर कैसे प्राप्त हुआ? हमें एक जलील पर्सनालिटी की जरूरत थी। अरे तो अपने पापा को ले लेती। ए मेरे पापा से घटिया रोल नहीं करते हैं। स्यापे है भाई गॉड। अरे तेरे पापा के लिए ना मुझे थैंक यू बोलना चाहिए तुझे। हाँ तो तू कौन सी जेम्स कैमरून की भतीजी हो रखी है जो तेरे ब्रेक देते ही पापा रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे? कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। देख कनॉट सच सच बता दे तेरी क्या चाल है इसके पीछे। अरे जाओ भी घटिया लोगों, तुम लोग की सोचना हमेशा घटिया ही रहेगी। कनॉट नो, तमीज से बात कर। जीजा तू ना तमीज से बात करने वाली पार्टी नहीं है, घटिया आदमी। भैया मैंने कौन सी घटिया बात कर दी? हाँ तो नल्ले अंकल भी कौन से टॉम क्रूज है? करेक्ट, तो फिर क्यों लेना है? अरे यार क्योंकि वो हमारी एड फिल्म के लिए ना एकदम सूटेबल है, अच्छे एक्टर भी है, और फिर मैं ठहरी यू नो संस्कारी घर की संस्कारी लड़की जो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करती है, इसलिए कास्ट किया, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसा है, तेरी रिस्पेक्ट से मुझे साजिश की बू आ रही है। अगर कुछ गलत हुआ ना तो देख लेना, इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। बढ़ाया ईंट से ईंट बजाने वाला चूहा। चूहिया गजब धूमधाम है बे। हाँ फाइनली सीपी, तेरा ये दोस्त कर लेगा ना सब सही एकदम। प्रोफेशनल है पापा, बस आप देखते जा। अच्छा वैसे सेटिंग बहुत सही की है इसने। हाँ? चलिए बुलाइए अपने हस्बैंड को, बुलाइए, रोलिंग का टाइम हो रहा है। नानू नानू रोलिंग नानू। इसकी
Excuse me, एक मिनट में. Oh my God, sir! Wow, handsome! Oh my God! Yeah, 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 yeah. So cute, so handsome! Oh my God! Me. मुझे बोल रही है. अच्छा. My choice. अब भांग खा ली गई इन्हें. इतना अल्लाह क्यों काट रही है ये लोग? कुछ ले यहाँ पे. ये भी वही देख रहे हैं ना जो हम देख रहे हैं. Excuse me, ये लिप्टम चिप्टी तो नहीं होने वाली है ना गाने में? इसकी आदत डाल लीजिए. What? नानू. नानू. हाँ तो सर, आपको क्या करना है ना, अपने एक हाथ में छोले पकड़े हुए और दूसरे हाथ में भटूरे पकड़े हुए, ठीक है? आपको ऐसे सामने से दौड़ते हुए ना, और वो वाली लाइन गानी है जो मैंने आपको बताई थी. नहीं, वो गा देंगे वो भटूरे लाने की ऐसी है. सर आप भटूरे ना ऐसे 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 करके लाइए, ठीक है? बातें कर रहे हैं सर, हमारे दोस्त के भटूरे महंगे हैं यार, वो गिर जाएंगे यार, वो खराब हो जाएंगे. तो फिर सर आप ही बताइए ना, आप कैसे लेके आएंगे? नहीं नहीं, आप मास्टर ही है, मैं गुस्ताखी ना करूंगा, आप बताओ. तो सर आप एक काम कीजिए, आप ना ऐसे 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 करके. अरे यार, छोले गिर जाएंगे फिर कौन खाएगा? अरे सर आप भी ना नॉटी हो सर. तो आप ही बताइए सर, आप कैसे लेके आऊंगा? मैं ऐसे ले आऊंगा, ऐसे ले आ रहा हूँ, ठीक है? क्या बात है सर, हिल 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 हिल, क्या बात है, आप तो रॉक कर दोगे सर. क्या बात. मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अगर उंगली ऐसे करूंगा भटूरों में, तो भटूरों में छेद होगा, फिर गैस निकल जाएगी, हमारे दोस्त के भटूरे फूट जाएंगे, है ना? मैं ऐसे ले आ रहा हूँ, ऐसे करते हुए. क्या बात है सर, आप तो माइंड ब्लोइंग काम करने वाले हो, नॉटी हो गए आप एकदम. घमंड ना किया हमारे साहब. हम रेडी हैं क्या? सर रेडी है सर, आप जब भी बोले तभी मैं रोल कर दूंगा ना. बस बस सर, हरी राम मेरे दोस्त, जाने मन ये तेरे लिए है, ठीक है? अरे वाह यार, कम ऑन नन्हे, कम ऑन, तू मेरा दोस्त है यार, क्या लग रहा, क्या हैंडसम लग रहा है यार. भैया जल्दी राम, ठीक है यार, थैंक यू यार. काश मैं तेरे जैसा हैंडसम होता है यार. ये ज्यादा हो रहा है ना पापा. अच्छा तो ठीक है. हाँ वैसे तुम जा से भी ज्यादा हैंडसम हो. लेट्स फोकस नाउ. ओके शॉट रेडी, रोल कैमरा, रोल साउंड, 1 2 3 4 एक्शन. जब भी मैं दिल्ली आऊं, खाऊं जल्दी राम के छोले, अछोले अछोले, छोले खा के बन जाता है, अरे छोले खा के बन जाता है, अच्छे अच्छो के डोले के डोले. जल्दी राम के छोले, जल्दी राम के छोले, जल्दी राम के छोले, जल्दी राम के छोले. नानू मुझे लगता है वन मोर है ना. व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल मैन, वन टेक. ओके माय चॉइस. गुल्लू ये भी वही शॉट देख रही है ना जो हम देख रही हैं, हैं? देख तो वही रहे. इतना बवाल क्यों काट रही है इस पे? हवन कुंड रखवा दूं, नहीं दो चार आहुतियां भी घेर दो.
टीवी के नाम पे। देखो बेटे तू अभी जाने नहीं है, मैं चीज गया हूँ, बात कर रहा। नानू अगर तुम खुद नहीं जानते कि तुम चीज क्या हो तो ये कैसे समझेगा कि तुम चीज क्या हो? यू नो व्हाट आइटम यू आर? हड़प्पा की खुदाई से निकले आइटम है ये। दरअसल बात ऐसी है, मुझे टेम हो गया खाना खाने का। हाँ टेम तो हो गया खाने खाने का, क्या खाने में मुझे पेलने का इरादा क्या तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा दिल चाह रहा है कि एक रेप्टर तेरे गाल पे पेल दूं, पिलवाएगा? नहीं पिलवा ले, मैं ना कहीं भाग जाऊंगा मैं। देखा देखा देखा, अबे मैं मजाक करने की एक्टिंग कर रहा हूँ, सच मान गया? कैसी बातें कर रहा है? हाँ। अबे लोंडे मजाक कर रहा हूँ मैं। मुझे पसंद नहीं है इस तरह के मजाक मुझे, ये भाग जाऊंगा मैं। अरे तू अच्छा चल, सॉरी सॉरी गलती हो गई, सॉरी बोल दिया, ठीक है छोड़ो ना। मेरा एड देखो यार, कैसी बातें कर रहे हो यार, कीप साइलेंस। मेरा एड आने वाला है केबल टीवी पर। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। जब भी मैं दिल्ली आऊं खाऊं जल्दी राम के छोले, अछोले अछोले छोले खाके बन जाता है, अरे छोले खाके बन जाता है, अच्छे अच्छों के डोले के डोले। जल्दी राम के छोले, जल्दी राम के छोले, जल्दी राम के छोले, जल्दी राम के छोले। अभी नहीं पापा, असली मजा तब आएगा जब ही हमारी प्रॉपर्टी खाली करके जाएंगे। बाप रे यार, लेकिन ऐसा भी कोई काम मत करियो कि हमारी जगह सही आ जाए। मम्मी जगह सही हमारी नहीं, इनकी होगी। अरे करेले के मुंह वाले, ये एड है कुछ चार्ली चैपलिन की फिल्म नहीं चल रही है, तू हंस रहा इतना? अबे काय को फाड़े है इतने दांत? इतना तो चार्ली चैपलिन की फिल्म देख के ना दांत फाड़े में नहीं। अबे यार बहुत बोलने, बता रहा हूँ भाग जाऊंगा मैं कहीं। अरे अच्छा छोड़, ये लोंडा मेरा गोल्डन है, ये बताएगा। हाँ भाई लोंडे कैसी लगी मेरी एक्टिंग, देखियो देख दे बताएगा अभी। अबे का सांप सूंघ गया। अबे झल्लो तू ही बता दे कैसा लगा मेरा टैलेंट, बता बता यार। नानू वो क्या बोलूं मैं, वो बोल दे ना, बड़ा होता है सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एसपीआईसीडोसिस। इट्स ओके गुल्लू। हाँ जी, मुझे इस एड से किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। अब साइन तो नल्ले अंकल के फरिश्ते भी करेंगे। एक बात है सीपी, अगर तूने ये काम कर दिया ना तो सच बता रहा हूँ तेरा मंदिर बनवाऊंगा मैं। तो जो काम हमारे पुरख नहीं कर पाए वो सीपी करेगी। तितली ओ तितली ओ मेरी तितली। ए यार ये पान के डब्बे भी ना, बड़ी जिद्दी हूँ मैं, ऐसी थोड़ी जा मैं, जाए ट्राई कर लू। ए छोड़ मुएगा, चलो भैया काम पे लग जाओ। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.